यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप सबसे बढ़िया वाला शेडर कैसे भर सकते हैं। और गाइज, इसके अंदर आपको लैग भी नहीं मिलेगा सच्ची में गाइज। जैसे कि आप यहाँ पे FPS भी देख सकते हो, मेरे FPS बहुत अच्छे FPS आ रहे हैं, 30 के आसपास FPS आ रहे हैं, जो कि यार मतलब शेडर लगाने के बाद बहुत बढ़िया रहता है। और जब आप कोई हैवी शेडर यूज़ करते हो तो भाई मतलब इससे भी यार बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो चलिए यार, यहाँ पे जल्दी से यार शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे गाइज, आपको अगर शेडर डाउनलोड करने है उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देना है शेडर फॉर माइनक्राफ्ट। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऐसा कुछ तो उसका लोगो होगा, जो कि आपने यार देख लिया होगा, आप तो वही तेज हो। तो इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको डायरेक्टली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको दूसरा कोई शेडर नहीं यूज़ करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको यूज़ करना है। अगर आपने अलग वाला कोई शेडर ले लिया तो भाई आपका जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, सर्फेटी क्राफ्ट ऐसा कुछ तो है, उसको आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। देखिएगा जिसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यार अभी सिंपल लग रहा है लेकिन बाद में बहुत हार्ड रहता है। तो आपको ऐसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे दिखाएगा इंपोर्टिंग। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्टिंग दिखाएगा। अगर कुछ यार मेरे से छूटता है, अगर आपका नहीं होता है उसके अंदर इंपोर्ट, तो मुझे गाइज कमेंट में बता देना, तो मैं आपको इसकी पूरी स्टेप भी और बता दूंगा जो कि भाई आपके अंदर नहीं आ रहा हो। इंपोर्ट स्टार्टेड, अभी यहाँ पे फेल दिखा दिया क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पे पहले से एक और बार डाउनलोड करके रखा था इसके वजह से। तो मैं आपका सक्सेसफुल आने के बाद आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्स मिलेगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको पहले तो मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है माई पैक्स के अंदर। माई पैक्स जहाँ से आपने वो डाउनलोड किया था, तो उसका नाम है सर्फी क्राफ्ट, उसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद उसका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस, जब भी आप न्यू वर्ल्ड क्रिएट करोगे तो सीधा मतलब ये वाला जो शेडर है वो यहाँ पे लग जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पे इसकी कितनी ओपी लुक मिल रही है यहाँ पे। अगर आप पीसी में अगर ऐसे शेडर भरना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं पीसी का भी शेडर आपको बता दूंगा। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि भाई कितना ओपी लग रहा है। तो भाई देखिए, यहाँ पे पेड़ मतलब यहाँ पे जो लीव्स है इसकी वो भी हिलते हुए दिख रही है, जो कि आपको सिंपल वाला जो माइनक्राफ्ट का शेडर रहता है उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि गाइज आपने यहाँ पे देखा, और गाइज किन किन लोगों ने यार वीडियो एंड तक देखा वो मुझे कमेंट कीजिए। और गाइज, अब अभी आपने देख ही लिया और आपको इससे हेल्प मिली गई, तो आपको यार सिंपली इस वीडियो को लाइक कर देना है और इसी के साथ ही यार सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। अगर गाइज आप भी चाहते हो ऐसा घर बनाना जो कि भाई मैंने अभी यहाँ पे बनाया, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे बना सकते हैं या फिर इससे भी बेहतर वाले घर कैसे बना सकते हैं। बिल्डिंग सब कह लो मतलब मॉडर्न हाउस, ठीक है गाइज। तो या फिर चलिए यार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और इसी के साथ ही साथ चैनल को बगैर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। चलिए यार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।